नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार स्वागत है आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, जैसा हम आपको बताए हैं कि हमने होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू देख लिया है, उसकी क्लास अटेंड कर लिए हैं। अब हम लोग रेफरेंस की बात करने वाले हैं। रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इतने ऑप्शन हमें देखने हैं। तो हम बारी बारी से एक एक करके एक एक मेनू के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्लास बहुत रेगुलर मिल रही है और दूसरी चीज़ ये क्लास बेटर मिल रही है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा शेयर करें यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल को, थोड़ा सा आप लोग प्रचार भी करें, ताकि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हो सकता हो दूसरों को भी अच्छा लगे दोस्तों, ठीक है। जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, आपकी ज़िम्मेदारी का आप उन्हें पहुंचाएंगे। चले मित्रों, हम बात करते हैं रेफरेंस पे। देखिए, अगर हम बात करें रेफरेंस की, तो सबसे पहले अगर हम रेफरेंस की बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है। तो ये टेबल, एक टेबल के अंदर हम लोग कैसे कंटेंट देंगे, कैसे लाइनिंग से लिखेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला या दूसरा ले लिया, ठीक है। अब हमने दूसरा ले लिया तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये लाइनिंग आ गई और ये पूरा आ गया आपका, मतलब इसके अकॉर्डिंग अब आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हो। देखो, कुछ भी लिखो, देखो एकदम, मतलब जो हमारा फॉन्ट, जो हमारी स्टाइल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइनिंग इतने ही तक बनेगी, इसके आगे इधर नहीं जाएगी, क्योंकि इसका फॉन्ट स्टाइल यहीं तक है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद अगर हम बात करें ऐड टेक्स्ट की, तो हम लोग यहाँ से लेबल वन, लेबल टू, लेबल थ्री के नाम से ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हम ऐड टेक्स्ट पे जो ही क्लिक करेंगे, लेबल वन डालेंगे। जब हम लेबल वन डालेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हमारा कर्सर आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेबल टू पे यहाँ पर ऐड करके लेबल टू ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए क्या हो रहा है, लाइनिंग क्रिएट हो जा रही है। लेबल वन, लेबल टू, लेबल थ्री ऑटोमेटिक बनता चला जा रहा है। अगर हमें टेबल अपडेट करना हो तो हम लोग यहाँ से टेबल अपडेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल अपडेट हो गया कि नहीं, अगर जो टेबल हमने यहाँ से उठाया था उस टेबल को यहाँ अपडेट करने के लिए फिर से हमारे पास ऑप्शंस हैं। ध्यान रखिएगा, सारे ऑप्शंस हैं हमें, हमारे पास बस हमें एक एक ऑप्शंस को कैसे क्लियर करना है, कैसे सीखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, प्रैक्टिकल करने से ही आता है, प्रैक्टिकल पढ़ने से नहीं आता है। अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एक आध दो बार प्रैक्टिकल नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है इंसर्ट फुट नोट। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई नोट्स लिखना है नीचे, तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन इसकी ज़्यादा कम हो गई लग रहा है, थोड़ा हम इसकी मार्जिन कम कर दें और नॉर्मल में कर दें, ठीक है। देखिए ये सारे ऑप्शंस दे दिए ना यहाँ पे, तो क्या ये फुट नोट आपके पास दे दिया, मतलब क्या आप नीचे कोई भी नोट्स बना सकते हो। आपके पास लिंक दे दिया, देखिए यहाँ पर लाइनिंग दे दिया है ना, तो आप कोई भी नोट्स नीचे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लाइनिंग के अकॉर्डिंग। तो ये होता है क्या, फुट नोट होता है दोस्तों। फिर उसके बाद है क्या, इंसर्ट इंड नोट। अब सबसे एंड में हम लोग कौन सी नोट्स, मतलब जब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, जब हमारी एप्लीकेशन लेटर कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारे पास एंड नोट बनाने के लिए भी क्या होता है, ऑप्शंस होता है। नेक्स्ट फुट नोट, तो हमारे पास दूसरा फुट नोट मिल जाएगा जिसमें हम नीचे लिख सकते हैं कुछ भी। सो नोट्स, कि अपने सारे नोट्स को शो करने के लिए यहाँ से हम सो नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट सेंटेंस, मतलब क्या होता है, हम कोई भी ऐड सोर्स कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम बता दें आपको कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी नया सोर्स एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऑथर का नाम क्या लिख दिया, रत्नाकर, क्या लिखा यहाँ पे, लिखा रत्नाकर। उसके बाद हमने टाइटल दे दिया क्या, यूनिक। फिर हमने ईयर क्या डाला भाई, ईयर 2020, सिटी यूपी डाल देते हैं, सिटी तो नहीं है लेकिन हम यूपी डाल देते हैं। पब्लिशर, यूनिक ग्रुप पब्लिश किया है भाई, हमारी मार्केट में बुक्स भी आती हैं, तो यूनिक ग्रुप पब्लिशर। स्टैंडर्ड नंबर हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नंबर 9876454321 0, ये हम अपना स्टैंडर्ड नंबर कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका तो क्या करते हैं, हमारा यहाँ क्या हो गया, एक हमारे पास इंसर्ट सिटेशन हो गया है दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ से हम मर्ज सोर्स कर सकते हैं, जैसे जितने भी हमने बना रखे हैं, जितने भी हमने बना रखे, देखिए पहले से सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हैं,
है ना। अब हमने क्या बनाया है, रत्नाकर यूनिक 2020 बनाया ना, तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ से क्लोज करके यहाँ से देख सकते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, ये सारे ऑप्शंस हमें क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको आसानी से देख भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और हाँ यहाँ से बिब्लियोग्राफी इंसर्ट, बिब्लियोग्राफी किसी का भी बिब्लियोग्राफी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ क्रॉस रेफरेंस है, अब ये क्रॉस रेफरेंस हम लोग पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ टेक्स्ट, बेबब इलो, इन सब में क्या है, क्रॉस नंबर भी हम लोग आराम से दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मार्क एंट्री है, अब मेन एंट्री, सब एंट्री हम लोग एंट्री करके देख लेते हैं कैसे एंट्री होती हैं हमारे टेक्स्ट में। यहाँ हमने लिख दिया रत्नाकर, यहाँ लिखते हैं हम क्या, यूनिक, यहाँ पे हम करंट पेज और मार्क। अब देखिए यहाँ पे जहाँ भी लिखा होगा रत्नाकर यूनिक, देखिए आराम से यहाँ करंट मार्क ला के दे दिया होगा, नीचे देखिए दे रहे हैं, यहाँ दे दिया है ना, देखिए यहाँ पे दिया कि नहीं दिया। तो अब हम लोग इसका फॉन्ट भी चेंज करके देख लें, क्योंकि इसका थोड़ा फॉन्ट स्पेशल लग रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे दे दिया है रत्नाकर यूनिक, दे दिया ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मार्क एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ से मार्क कलेक्शन कर सकते हैं, उसका कलेक्शन हम लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है हमारा मेलिंग ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, मेलिंग ऑप्शन आता है। तो मेलिंग में क्या होता है हम लोग देखते हैं, मेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो तीन ही फैक्टर इसमें होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज करते हैं, तो हम लोग लेटर लिखना चाहते हैं कि ईमेल मैसेज, कि एम्प्लॉयर्स की डिटेल, कि लेबल, डिक्शनरी, क्या लिखना चाहते हैं, किसके बारे में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स के बारे में मान लिया लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये साइज खुलेगा, ये पेज खुल जाएगा। अब हम लोग आसानी से क्या करें, एम्प्लॉयर्स के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ यहाँ से एम्प्लॉयर के बारे में लिख सकते हैं। फिर हम ईमेल भी कर सकते हैं, ये ईमेल का फॉर्मेट है हमारे पास, लेटर का फॉर्मेट है हमारे पास, तो सारी चीज़ों हम लिख सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट रिसिप्ट, तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा तैयार कर सकते, जैसे मान लीजिए हमें मेल करना है किसी कंपनी के डिटेल को मेल करना है, या फिर कोई डेटा ऐसा है जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या है कि हम लोग कोई भी डेटा मेल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उस डेटा का कलेक्शन करने के लिए हमारे पास सेलेक्ट रिसिप्ट्स का ऑप्शन आता है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। और मान लीजिए हमारे पास देखिए एंट्री ज़्यादा है ना, यहाँ पे कितनी है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन, एड्रेस टू, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, होम, वर्क, फोन, ईमेल एड्रेस, इतना दिया हुआ। हम इसमें कम भी कर सकते हैं, मान लीजिए डिलीट एंट्री करना है, या फिर हमें क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल रहने देते हैं, लास्ट नेम हटा देते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को भी कम कर सकते हैं। एड्रेस का एक लाइन हटा दे रहे हैं, कंट्री रिलीजियस हटा, क्योंकि हम लोग इंडिया वाले हैं, इंडिया में ही काम करेंगे। वर्क फोन हटा दे रहे हैं हम यहाँ से, ईमेल एड्रेस रहना चाहिए, होम इसको भी हटाते हैं आपका। अब हमारे पास इतना ही ऑप्शंस है, तो अब देखिए हमारे पास इतना ही ऑप्शंस फिल करने के लिए बच रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी डेटा तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं हम जानते हैं, जैसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ हमने लिख दिया रत्नाकर, क्या लिखा, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल, हमने ईमेल यहां पर डाल दिया, ईमेल पर डाल दिया आराम से यहां पे। फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हम यहां से क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद सेव करने के बाद हमें अगला लिखना है, तो हम अगला कॉलम ले लेते हैं, यहाँ से लिख कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या क्या इतना डेटा तैयार कर दिया इतना डेटा तैयार, अब हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे, ठीक। अब हमारे पास ये सेव का ऑप्शन आएगा, हम लोग कहाँ सेव करते हैं, डेस्कटॉप में इसको 159 के इस नाम सेव करते हैं, सेव कर दिया हमने, इसमें स्पेशल करेक्टर हो गया, ये सेव नहीं लेगा, 159 के नाम से हम लोग इसको सेव करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ से क्या हो गया,
एडिट रिसिप्ट, अब हम लोग इसमें से कुछ भी एडिट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हमारे क्लियर हैं कि हम ये लोग इस पर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को अगर फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है, कुछ भी करना, मान लीजिए सॉर्ट करना है तो हम लोग यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर करना है कौन कौन सा फिल्टर करना है फिल्टर कर लेंगे हम लोग, फाइंड अपडेट्स कर लेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास क्लियर हैं कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। फिर एडिट रिसिप्ट लिस्ट हमने देख लिया, बचा एड्रेस बुक। अब एड्रेस बुक भी हम लोग यहाँ से रत्नाकर प्रयागराज, जैसे मान लीजिए हमें कहीं भी डिलीवरी करनी है तो ये वाला ऑप्शन हमने बताया नहीं है आपको, देखिए यहाँ डिलीवरी एड्रेस होता है, रिटर्न होता है, तो यहाँ से हम कुछ भी लिख करके रिटर्न डिलीवरी कर सकते हैं, जिस नेम पे जिस एड्रेस पे, वो यहाँ से हम लोग प्रिंट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे की बात अगर करें तो आगे हमारा क्या है, ग्रीटिंग लिंक है, तो यहाँ से हम लोग ग्रीटिंग लिंक कर सकते हैं, इंसर्ट मर्ज कर सकते हैं फील्ड, हम लोग क्या फर्स्ट नेम, देखिए यहाँ फर्स्ट नेम जो भी हमने सेलेक्ट किया रहेगा वो ऑटोमेटिक लेता जाएगा, हमने एड्रेस एड्रेस भी कॉपी कर लिया, रूलर हम लोग यहाँ कहाँ कर सकते हैं, मर्ज सेंटेंस, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट सेटअप, बुक मार्क, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। मैच फील्ड की बात करें तो हम लोग मैच फील्ड में भी अपने ऑप्शंस भर सकते हैं और जान सकते हैं उसके बारे में। प्रीवियस रिजल्ट की बात करें तो जो हमारा पिछला आउटपुट आया था उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। फाइंड रिसिप्ट की बात करें तो हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हमने इसको होम मेनू में पढ़ लिया है। फिनिश मर्ज क्या लिखा हुआ, फिनिश एंड मर्ज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेलिंग ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, मेलिंग ऑप्शन। हम आशा करते हैं कि ये ऑप्शंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जिसको कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप बाई व्हाट्सअप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी समस्या का समाधान करेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग आगे बात करेंगे अगले रिव्यू पे, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।